सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 56। प्रॉफिट अर्नड बाय ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 को। कहते हैं वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, जो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया आपने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके बीच में, बिटवीन द पार्टनर पंकज और अनु के बीच में। लिखा है विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन वो आपने अलाउड नहीं किया है। लिखा है जो कितना बनता था 3000 और 1000, ठीक है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो इस केस में हमारे को प्रॉफिट गिवन नहीं है। अगर प्रॉफिट गिवन होता तो प्रॉफिट हम वापस ले लेते, लेकिन प्रॉफिट लेने से या ना लेने से क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आंसर है वो सेम आएगा और उसको हम दोनों केस के अंदर देख लेते हैं। एक बार प्रॉफिट लेके देखेंगे और एक बार विदाउट प्रॉफिट के देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या देखते हैं हम, विदाउट प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पार्टनर कौन कौन है आपके, पंकज और अनु। तो यहाँ कौन है पंकज और यहाँ कौन है अनु, ठीक है। लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दे देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो किसको मिलेगा, पंकज को मिलेंगे 3000, ठीक है, और अन्नू को कितने मिलेंगे 1000, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा, लॉस कितने का, ये लॉस हो जाएगा 4000 का, 3000 और 1000 4000। अब कहता है जो प्रॉफिट जो लॉस आएगा उसको क्या करेंगे, इक्वल सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल। तो 2000 2000 हर पार्टनर से चार्ज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट टू लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या रेशियो है, 1:1, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यहां से आपके पास कितने आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे इससे, और इससे भी कितने आ जाएंगे आपके पास 2000, और यहाँ कितने हो जाएंगे 4000, ठीक है। अब इसको क्या कर लो आप, टोटल कर लो, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4000, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 4000। यहाँ कितना आ जाएगा 1000, यहाँ 2000, यहाँ कितना आ जाएगा 3000, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2000। यहाँ देखो कोई डिफरेंस है नहीं है, यहाँ डिफरेंस है कितने का, 1000 का, किसकी वजह से, ये डेबिट की वजह से। यहाँ कितने का फर्क है, यहाँ फर्क है 1000 का, किसकी वजह से, क्रेडिट की वजह से। तो यहां पर एंट्री क्या बननी चाहिए, यहां पर बननी चाहिए डेबिट कौन सा आएगा, ए। तो क्या लिखोगे, अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू पंकज अकाउंट, पंकज कैपिटल अकाउंट कितने से 1000, और ये भी 1000, ठीक है, बीइंग जो एडजस्टमेंट एंट्री मेड। लेकिन अगर हम प्रॉफिट ले लेते हैं यहां पर तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाता प्रॉफिट से। प्रॉफिट मान लेते हैं 10000 का, ठीक है ना, जो आपने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा आपने, 5000 पंकज को मिला होगा, और 5000 किसको मिला होगा, ये अन्नू को मिला होगा। तो फर्स्ट क्या एंट्री डालोगे आप, टू टेक बैक रोंगली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो इससे कितना ले लोगे आप, 5000, इससे कितना ले लोगे 5000, और ये कहाँ चला जाएगा आपके अकाउंट में, कितना चला जाएगा, ये 10000 वापिस आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। अब क्या देना है, टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना देना है, ये देना है 3000, ठीक है। इसको कितना देना है, इसको देना है 1000, ठीक है, और ये कितना खर्च हो जाएगा आपका 4000, रह जाएगा कितना 6000। 6000 को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, 1:1 में, ठीक है। आपके पास 10000 था, 4000 आपका यूज हो चुका है, तो 6000 है, तो 3000 क्या कर दो पार्टनर के अकाउंट में डाल दो। तो 3000 यहाँ डाल दिए, और 3000 यहाँ डाल दिए, और 6000 क्या हो गए, खर्च हो गए। अब क्या करो आप, टोटल करो इस चीज का, अकाउंट का, ठीक है। टोटल करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10000, और ये भी कितना आ जाएगा 10000। यहाँ कितना आएगा आपका 4000, और यहाँ कितना आएगा 5000, यहाँ कितना आएगा 6000, यहाँ कितना आएगा आपका 5000। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 1000 का, ठीक है, और 1000 किसकी वजह से है, ये क्रेडिट की वजह से। और यहाँ कितने का डिफरेंस का फर्क है, यहाँ फर्क है 1000 का, ठीक है, और 1000 किसकी वजह से है, ये डेबिट की वजह से है। तो यही तो था, यहाँ भी डेबिट था और यहाँ भी क्या था, क्रेडिट था। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे प्रॉफिट गिवन हो
या प्रॉफिट ना गिवन हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन को ट्राई करने का प्रयास करना है, क्वेश्चन आपसे बन जाए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।